याकूब दा खुदा इज्जत तेरी वदा वेगा याकूब दा खुदा है करता अपनी कर तेरे वास्ते है करता निकल तेरे वास्ते मदद से होने वे चौया पे संभाले तेनो सदा राजेंद्र सिंह पेश करता हूँ। और खास तौर पर हमारे यहाँ पंडाल में हमारे दर्द और गम में हमारे कर्म में शरीक होने के लिए हमारे मुस्लिम बहन भाई भी हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। उनकी मौजूदगी हमारे लिए बाइस से तसल्ली है, उम्मीद का बाइस है, हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। 16 अगस्त 2023 का दिन हम सब के लिए दुख भरा दिन है, इसलिए हम सब जो खड़े हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं है, हैरान तो होते हैं मगर नाउम्मीद नहीं हुए, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़ जाते, गलाए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु मसीह की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की जिंदगी में हमारे बदन में दाहर हो जाए, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं। आज जड़ावाला में उस दिन को इंसाने की याद करते हैं कि जब एक साल पहले 16 अगस्त 2023 में इस चर्च को यहाँ पर घरों को 26 चर्चेस को जलाया गया था। आज ब्लैक डॉग डे के तौर पर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज जहाँ पर दुआ भी होगी और हमारा एहतजाज भी रिकॉर्ड किया जाएगा कि हमें अभी तक जो है एक साल के बाद भी इंसाफ नहीं मिला, बल्कि जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको भी छोड़ दिया गया, जिससे हम एहतजाज करते हैं और इंसाफ की अपील करते हैं कि जड़ावाला में इंसाफ दिया जाए। हम आज भी दाग की हिफाजत में है लेकिन आज भी हम इंसाफ के मुंतजी हैं कि हमारे घरों को मसीह खानदानों को इंसाफ दिया जाए, क्योंकि हम भी यकसा हक रखते हैं, हमें मुसावात का जो है वो यकीन दहानी करवाई जाए ताकि हम भी पाकिस्तानी होकर जो है वो हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। सानिया जड़ावाला को साल हो चुके हैं और जो आज से एक साल पहले 16 अगस्त को सुबह से जो गड़बड़ियत और दर्दनाक मनाजर का आगाज हुआ था उसकी झलक आज भी जब हम सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं तो नजर आ रही है। यकीनी तौर पर ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया था लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि एक साल गुजरने के बाद भी जो मुलजमान है वो उन पर कोई गिरफ्त नहीं हुई और वो जो है बरी हो गए हैं। सानहा जड़ावाला को पूरा साल हो गया है और मसीह मोमिन इस दर्दनाक वाकया को याद करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं ताकि हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करें कि हमें इंसाफ चाहिए। माजी में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए जिनमें आज तक अकलीत दिलचस्प मसीहों को जिनके चर्चेस को मसमार किया गया, मुकद्दस किताबों की बेहरमती की गई और लोगों को जलाकर राख कर दिया गया, तो ऐसे माजी के तमाम वाकयात भी आज तक किसी को सजा नहीं हुई और इंसाफ नहीं मिला। जैसा कि सबको याद है पीछे लाला गोबर भी बता रहे थे और 16 अगस्त को जो कुछ हमारे साथ हुआ, हम किस तरह बर्बाद हुए, लूटे गए, मारे गए, उसी
की नस्बत आज हम दोबारा इस 16 अगस्त को सहयोग का दिन है हमारे लिए और हम सब इकट्ठे हुए हैं और आने वाले मेहमानों के लिए भी हम शुक्रगुजार हैं कि जो हमारे दुख में दूर दराज से आए हैं।